गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक पंत पॉलिटी अलावा। आज हम क्या करने वाले, तो आज हम देखेंगे जो जे मीन 20 जुलाई को अभी जो एग्जाम हुए हैं उसके उस क्वेश्चन मेरे को मेमोरी बेस्ड, अभी मैंने जिनसे बात करी जिन बच्चे का एग्जाम था उनसे पता चली है, तो मैं आज आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आए हुए थे जो आपको हेल्प करेंगे अगर आपका जे मीन जो हमारा 22 या फिर 25 को है तो। और मैं इसका डिटेल जो सारे क्वेश्चन जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इसका डिटेल आंसर भी आपको बताऊंगा। तो जब तक नहीं आता है डिटेल क्वेश्चन सारे तब तक मैं 3-4 जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको बताता हूं। तो जो उसमें पहला क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि 4 कंपाउंड दे रखे हैं अपने को, मान लीजिए 4 क्वेश्चन जो था उसमें 4 कंपाउंड दे रखे थे, एक BRO माइनस, दूसरा हमारा था BRO2 माइनस, तीसरा जो था हमारा वो था BRO3 माइनस, चौथा हमारा था BRO4 माइनस। इसमें पूछ रहा था जो 4 कंपाउंड है उसमें पूछ रहा था कि कौन से कंपाउंड जो था हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन नहीं शो करता है, जिसका या तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या तो वो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता हमारा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये तो ना तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ना ही लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये जो था हमारा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी जो था हमारा ना तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये भी जो था हमारा वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी ना तो हाईएस्ट या ना ही लोएस्ट। और ये BRO4 माइनस होता हमारा, ये भी ना ही हाईएस्ट में और ना ही लोएस्ट में। तो ये सॉरी ये BRO4 माइनस होता हमारा ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होता है हाइड्रोजन फैमिली का, तो इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। क्योंकि अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा तो ये अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आगे ऑक्सीडेशन स्टेट में जा नहीं सकता, इसलिए जो हमारा ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। बट ये तीनों कर सकता है क्योंकि अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। तो ये था जो हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है आपके लिए और उम्मीद करता हूँ ये भी आपका सही हुआ होगा। इसमें पूछ रहा है हमसे कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा आसान किसमें होगा। तो जो हम लोग जानते हैं कि जो ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड है उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो था हमारा इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि वो पहले से जो था हमारा उसमें बहुत कम एनर्जी या बहुत कम पैसा ले रहा है हमको उसको वोलेटाइल कराने में। तो जो उसमें ऑप्शन दे रखा था उसमें जिंक, निकल, कॉपर, आयरन दे रखा था, बट हम लोग जानते हैं जिंक जो था हमारा सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो इसका मतलब होता है हमारा आंसर इसका जिंक ही होगा। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपका सही हुआ होगा। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी, मैंने भी अपने इस चैनल पे बताया मेटलर्जी पूरा पढ़ाया, तो वो भी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको उसमें भी आपको पता होगा कि जिंक जो था हमारा वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड होता है, तो उसको इकोनॉमिकली वोलेटाइल करने में बहुत कम पैसा लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा आसान होगा, तो इसका भी आंसर जो था हमारा वो ZN होगा। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपका सही हुआ होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चन जो थे वो मेरे को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अभी तक मिल रहे थे, इसलिए 2 क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन अभी तक आपको मिल पाया है। जैसे ही मेरे को सारे क्वेश्चन मिलते हैं मैं उसके भी क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।